हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ट्राइब्स इंडिया पवेलियन जो बनाया गया था G20 में, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। बताना है मैं सोरा पेंटिंग जो है वो किस राज्य के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, इस प्रकार से ये पेंटिंग दिखती है। मृणाल पेंटिंग होती है, वॉल पे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो थी सोरा, एक ट्राइब का भी नाम है और आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये पड़ती है ट्राइब, और उसने लगाई थी या उड़ीसा या नागालैंड या जम्मू कश्मीर। तो इसका, जी हाँ दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा मृणाल का? उड़ीसा। तो उड़ीसा ने लगाया था सोरा, और वहां पर जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, इसका एक डिस्ट्रिक्ट स्टाइल है। और भी यहाँ पर पेंटिंग लगाई गई थी, जैसे कि पिथोरा आर्ट। कौन सा? PITHORA, पिथोरा आर्ट कहाँ लगाई गई थी? ये आपको याद रखना है, गुजरात। पिथोरा वाला गुजरात। और गोंड वाला भी लगाया गया था। गोंड वाला तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अंगोरा, अंगोरा लगाया गया था, जी हाँ, लद्दाख वाला। ठीक है, और ढोकरा, DHOKRA, ढोकरा लगाया गया था। ये बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ये याद होगा, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 20वां अभी आसियान और भारत का जो समिट हुआ था, ठीक है, कहाँ पर? जकार्ता में। तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, आपको मालूम ही है। तो बताना है, वहां पर नरेंद्र मोदी ने एक एम्बेसी खोलने के लिए कहा है, जो वो एम्बेसी किस देश में खोली जाएगी ये बताना है। तस्मानिया में, नौरू में, पलाऊ में या तैमूर लिस्टे में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये देख पा रहा होगा मैप पे आपको, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ईस्ट तैमूर। ठीक है, तैमूर लिस्टे, इसी की कैपिटल है दिल्ली। ये अपनी वाली दिल्ली नहीं है, बस दिल्ली है, तो यहीं पर ये खोला जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वरुणा 23। जी हाँ, वरुणा 23 एक नेवल एक्सरसाइज है, और ये किस देश के साथ भारत कंडक्ट करता है? जी हाँ, फ्रांस। फ्रांस के साथ, और फ्रांस के साथ करता है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, रेड सी में या मेडिटेरियन सी में? आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको अरेबियन सी दिखेगा। जी हाँ, भारत के किस तरफ? भारत के पश्चिम में, इसी में आयोजित हो रहा है वरुणा 23, मतलब 2023 का ये युद्ध अभ्यास आयोजित हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। सबमरीन नंबर 841, जी हाँ, न्यूक्लियर सबमरीन है, ये किस देश का है? तो काफी चर्चा में बना हुआ है। चाइना का है, नॉर्थ कोरिया का, अमेरिका का है, या फिर ये इंडोनेशिया का है? तो इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब, जी हाँ, नॉर्थ कोरिया का ये है, सबमरीन नंबर 841। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है ये बताना है। कावेरी नदी के जस्ट बगल में। ठीक है, तो ये आपको बताना है, न्यूज में बना हुआ था। आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है या केरला में? तो इसका राइट आंसर देखने के लिए चलते हैं मैप में। यहाँ पर कर्नाटक का मैप दिख पा रहा होगा, ये वाला, ये जो पूरा एरिया यहाँ पर डिमार्केटेड है, ये पूरा एरिया किसका है? कर्नाटक का। तो इसी कर्नाटक में यहाँ पर आपको एक नदी यहाँ पर देखिए कावेरी, इसी नदी के यहाँ पर आपको देखिए कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? कावेरी। तो कावेरी आपको मालूम हो गया कहाँ होगा? कर्नाटक। इसके ऊपर में बनेर घट्टा है, नेशनल पार्क है, उसका मलाई मधवेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, बंदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व भी है, नागरहुल है, ठीक है, आंसी दंदेली है, मोल्लम है, महदी वाइल्ड लाइफ, ये सब याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।